जर्मन शेफर्ड वर्सेस पिटबुल वर्सेस रॉटवाइलर, ये तीनों डॉग ब्रीड में से कौन सबसे ज्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है? ये वीडियो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जिसके टॉपिक कुछ ये है, फर्स्ट टॉपिक ह्यूमन स्किल, सेकंड टॉपिक बैन इन कंट्री, थर्ड टॉपिक डॉग स्किल, फोर्थ टॉपिक वाइल्ड एनिमल किल, फिर सेकंड पार्ट उसके टॉपिक कुछ ये है, फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट अटैक, सेकंड टॉपिक अग्रेशन, थर्ड टॉपिक बाइट फोर्स, फोर्थ टॉपिक स्पेशल टेक्निक, फिफ्थ टॉपिक हाइट, सिक्स्थ टॉपिक वेट, और यहाँ पर थर्ड पार्ट जिसके टॉपिक कुछ ये है, सेवंथ टॉपिक अटैकिंग, एट टॉपिक डिफेंस, नाइन टॉपिक कोर्ट, 10th टॉपिक स्ट्रेंथ, 11th टॉपिक मोबिलिटी और 12th टॉपिक जो कि है ओबिडेंस। तो ये वीडियो आखिर तक देखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट टॉपिक ह्यूमन स्किल, यहाँ पर पिटबुल ने एक साल के अंदर 66 ह्यूमंस की जान ली है, वहीं रॉटवाइलर ने 2005 से लेकर 2010 में 51 अटैक किए हैं। अब बात करें जर्मन शेफर्ड की, तो जर्मन शेफर्ड ने एक साल के अंदर इंडिया में 17 लोगों की जान ली है। नंबर टू बैन इन कंट्री, यहाँ पर पिटबुल न्यूजीलैंड ब्राजील बेल्जियम कनाडा फ्रांस डेनमार्क पोलैंड और नॉर्वे में बैन है, वहीं पर रॉटवाइलर आयरलैंड पोर्टुगल रोमेनिया मलेशिया और सिंगापुर में बैन है। बात करें जर्मन शेफर्ड की, तो जर्मन शेफर्ड यूक्रेन बरमूडा और बेलेसियस में बैन है। थर्ड टॉपिक जो कि है डॉग स्किल, मतलब ये तीनों डॉग ब्रीड ने कितने सारे डॉग्स की जान ली, तो यहाँ पर पिटबुल ने 2005 से लेकर 2017 में पिटबुल ने टोटल 500 अटैक किए जिसमें से 284 डॉग्स की जान चली गई। वहीं पर रॉटवाइलर ने 2012 से लेकर 2015 के अंदर 15 डॉग अटैक किए हैं। अब जर्मन शेफर्ड ने 2010 से लेकर 2020 के अंदर 21 डॉग की जान ले ली है। फोर्थ टॉपिक जो कि है वाइल्ड एनिमल किल, यहाँ पर पिटबुल ने वुल्फ को हरा दिया फॉक्स को हरा दिया, वही रॉटवाइलर ने अभी तक किसी वाइल्ड एनिमल से जीता नहीं है, लेकिन वो एक बार क्रोकोडाइल से लड़ गया, लेपर्ड से हार गया, टाइगर से लड़ा और वुल्फ से हार गया। बात करें जर्मन शेफर्ड की, तो जर्मन शेफर्ड ने ब्लैक पैंथर की जान ली, बल्कि वह छोटा बच्चा था उसने फॉक्स की जान ली और वो लेपर्ड से लड़ गया, लेकिन वो दो जर्मन शेफर्ड थे। सेकेंड पार्ट जो कि है फर्स्ट अटैक, यहाँ पर जो फर्स्ट अटैक है वो पिटबुल के ज़्यादा है जर्मन शेफर्ड और रॉटवाइलर से, तो फर्स्ट पॉइंट का विनर है पिटबुल। सेकेंड टॉपिक जो कि है अग्रेशन, यहाँ पर जर्मन शेफर्ड पिटबुल और यहाँ पर रॉटवाइलर का तीनों का अग्रेशन सेम है, तो इस पॉइंट में होता है टाई। थर्ड टॉपिक जो कि है बाइट फोर्स, यहाँ पर पिटबुल का बाइट फोर्स है 235 पाउंड, रॉटवाइलर का बाइट फोर्स है 328 पाउंड और जर्मन शेफर्ड का बाइट फोर्स है 238 पाउंड, तो यहाँ पर रॉटवाइलर का जो बाइट फोर्स है वो पिटबुल और जर्मन शेफर्ड से ज़्यादा है, तो इस पॉइंट का विनर है रॉटवाइलर। फोर्थ टॉपिक जो कि है स्पेशल टेक्निक, यहाँ पर पिटबुल की जो स्पेशल टेक्निक है वो है कि वो सामने वाले एनिमी के गर्दन में अटैक करता है, रॉटवेलर की स्पेशल टेक्निक है कि उसका जो कोट है वो उसे दूसरे एनिमल के अटैक से बचाता है, और यहाँ पर जर्मन शेफर्ड की कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, तो इस पॉइंट का विनर है पिटबुल और रॉटवेलर। फिफ्थ टॉपिक जो कि है हाइट, यहाँ पर रॉटवेलर की जो हाइट है 61 सेंटीमीटर 69 सेंटीमीटर वो पिटबुल और जर्मन शेफर्ड की हाइट से ज़्यादा है, तो इस पॉइंट का विनर होता है रॉटवेलर और जर्मन शेफर्ड, क्योंकि रॉटवेलर और जर्मन शेफर्ड की हाइट लगभग सेम ही है। सिक्स्थ टॉपिक जो कि है वेट, यहाँ पर रॉटवेलर का जो वेट है 50 किलो से 60 किलो तो वो पिटबुल से ज़्यादा है और जर्मन शेफर्ड से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर होगा इक्वल, तो इस पॉइंट का विनर है रॉटवेलर और जर्मन शेफर्ड। पार्ट थ्री सेवन टॉपिक जो कि है अटैकिंग, यहाँ पर पिटबुल की जो अटैकिंग है वो सामने वाले एनिमी के गर्दन में अटैक करता है, तो इस पॉइंट का विनर है पिटबुल। एट टॉपिक जो कि है डिफेंस, यहाँ पर रॉटवेलर का जो कोट है वो उसे सामने वाले एनिमी के अटैक से बचाता है, तो इस पॉइंट का विनर है रॉटवेलर।
नाइन्थ टॉपिक जो कि है कोट। यहाँ पर पिटबुल का कोट है स्मूथ कोट, यहाँ पर जर्मन शेफर्ड का कोट है लॉन्ग कोट, और यहाँ पर जो रॉटवाइलर का कोट है वो असल में स्मूथ और हार्ड कोट है। तो इस पॉइंट का विनर है रॉटवाइलर। टेंथ टॉपिक जो कि है स्ट्रेंथ, यहाँ पर पिटबुल की जो स्ट्रेंथ है वो असल में जर्मन शेफर्ड और रॉटवाइलर से ज़्यादा है। तो इस पॉइंट का विनर है पिटबुल। 11 टॉपिक जो कि है मोबिलिटी, तो यहाँ पर मोबिलिटी का मतलब होता है क्विक रिस्पांस। तो यहाँ पर पिटबुल का जो क्विक रिस्पांस है वो जर्मन शेफर्ड और रॉटवाइलर से ज़्यादा है। तो इस पॉइंट का विनर है पिटबुल। 11 टॉपिक जो कि है ओबिडेंस, ओबिडेंस मतलब एक जिम्मेदारी। तो यहाँ पर जर्मन शेफर्ड जितना इंटेलिजेंट है तो वहाँ पर पिटबुल और रॉटवाइलर उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट का विनर है जर्मन शेफर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि पिटबुल वर्सेस रॉटवाइलर वर्सेस जर्मन शेफर्ड, ये तीनों डॉग ब्रीड में से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी डॉग ब्रीड है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो यहाँ पर नंबर वन पे है पिटबुल विथ 50% पिटबुल, सेकेंड नंबर पे रॉटवाइलर विथ 30% और थर्ड नंबर पे जर्मन शेफर्ड विथ 20%। ये रेटिंग देख के की गई है कि कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करो इस वीडियो को, उन्हें दिखाओ कि जर्मन शेफर्ड वर्सेस पिटबुल वर्सेस रॉटवाइलर में कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस डॉग ब्रीड है, उनको भी पता चलेगा। मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से डॉग का कंपैरिजन देखना है, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अपना और अपने डॉग का ध्यान रखना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।